चौथा श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर 20, 21 और 22 सितंबर। मंच पर अभिनंदन श्री गौतम शंकर जो देश के प्रसिद्ध रंगमंच एवं टीवी कलाकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनके स्टिल फोटोग्राफी को सराहा गया है, पुरस्कृत किया गया है। देश के दिग्गज फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने का इन्हें अनुभव है और ये हमारा सौभाग्य कि आज वो श्रीनाथ के प्रांगण में है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौतम शंकर दा। इसी लघु नाटिका प्रतियोगिता में आपने हमारा प्यार लिया, हमारी यादें ली, मगर हमारी श्रद्धा को भी आप स्वीकार करें। श्रद्धा स्वरूप ये शॉल माननीय श्री गौतम शंकर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं बहुत ही आदर सहित अपने युवा निर्णायक वृंद, हमारे प्यारे बड़े भैया और साथ ही इस शहर को जिन्होंने एक अभिनेता के रूप में, एक सहायक अभिनेता के रूप में, एक रंगकर्मी के रूप में अपने 30 वर्षों का अनुभव दिया है, जो दूरदर्शन के बी ग्रेड के कलाकार हैं और साथ ही ग्रेजुएट कॉलेज के वो व्याख्याता भी हैं। जोरदार तालियों से मंच पे स्वागत श्री राकेश पांडे जी का। बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन श्री राकेश पांडे जी का। आदरणीय मित्रों, इस प्रतियोगिताओं के दौर में जो 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं का दौर था, उसमें एक प्रतियोगिता थी जिसकी श्रेणी छायाकारी की। इस छायाकारी में स्टूडेंट छात्राओं को अपनी 3 अलग अलग तस्वीरों को कॉलेज के वेबसाइट पर अपलोड करना था और उसके लिए जो हमारे निर्णायक वृंद हैं, मैं बहुत ही आदर सहित मंच पर अभिनंदन करना चाहूंगा। वरिष्ठ छायाकार हैं और प्रसिद्ध बॉलीवुड डीओपी हैं, यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जिन्हें कई सारे फिल्मों में फोटोग्राफी करने का अनुभव है। साथ ही साथ डीआईडी, जो जी टीवी का एक बहुत ही बेहतरीन और मनोरंजक कार्यक्रम है, उसमें भी कई सालों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी और हमारे साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए छायाकारी प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका में आ रहे हैं श्री पार्थो भट्टाचार्य जी। जोरदार तालियों से मंच पर अभिनंदन श्री पार्थो भट्टाचार्य जी का। ऐसे दिग्गजों का ये जमावड़ा जहां इनका मिलन है, ये मंच आपको एक हौसला, एक विश्वास देता है कि अगर आप में है दम तो मंच देंगे हम, क्योंकि इस मंच से आपकी बेहतरीन कल की शुरुआत होगी जहां देश के तमाम ऐसे दिग्गज आपके सहायक होंगे। मैं बहुत ही आदर सहित इसी श्रेणी के अपने दूसरे निर्णायक जो अति आवश्यक कार्य के वजह से हमारे बीच नहीं है, वो चले गए हैं, मगर मैं पार्थोदा से ही निवेदन करूंगा कि उनके एवज में ये पुरस्कार और सम्मान आप ग्रहण करें। जोरदार तालियों का धन्यवाद श्री नागेश चौधरी जी को। नागेश चौधरी जी, हमारे युवा छायाकार, इस शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त छायाकार, जिन्होंने अपने अनुभव से छायाकारी की इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका की, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मंच को पिछले 3 दिनों से जिन्होंने रंगीन बनाकर रखा, यानी कि ये कहें कि साहित्य के साथ साथ जिन्होंने श्रृंगार की धारा यहां बहाई, जिन्होंने अपने मनमोहक नृत्यों से हम सबों का मन मोहा और इस पूरे नृत्य को जिन्होंने सजाया, हमारे प्यारे नृत्य निर्देशक श्री ओमनेश दास जी। जोरदार तालियों से स्वागत मास्टर ओमनेश दास जी का।
ओमनिस हैं। ओमनिस दास जी के साथ ही इस पूरे नृत्य समारोह में जिनकी सहभागिता थी, जिनका निर्देशन था, कुशल नृत्यांगना दीपानिता चक्रवर्ती। जोरदार तालियों से स्वागत दीपानिता चक्रवर्ती का भी। समय रहते अगर वो इस मंच से जुड़ते हैं तो ये सम्मान करने का मौका हम फिर से प्राप्त करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा, वैसे कुछ विश्वविद्यालय जिनको हमने अभी तक सम्मानित नहीं किया है या वो हमारे बीच उपस्थित नहीं थे, अगर अर्का जैन विश्वविद्यालय के कोई प्रतिनिधि हमारे आज के मुख्य अतिथि को छोड़कर विश्वविद्यालय से अगर कोई और प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं तो कृपया मंच पे पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत अर्का जैन विश्वविद्यालय का। हमारे हर कार्यक्रम में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और साथ ही साथ अपने छात्र छात्राओं को जो यहाँ भेजकर हिंदी साहित्य से प्रेरित और प्रेरणा लेने के लिए और श्रीनाथ के हर काम में वो सहभागी होते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद अर्का जैन विश्वविद्यालय का। जोरदार तालियों से एक बार पुनः अभिनंदन हो। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय कौशिक मिश्रा जी को, डॉक्टर रमाशंकर जी को। आप कृपया मंच पर आदरणीय सुब्रे महतो जी के आप सहायक बने। हमारे साथ हैं आदरणीय गुरुदेव महतो जी। मैं आपसे भी विनती करूंगा, आप कृपया मंच पर पधारें। एक बार पुनः मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे तो वो प्रिय हैं ही, और मगर जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में इसकी चहक, इसकी चमक और इसकी गूंज को सात समंदर पार भी पहुंचाया है, इस भारतीय नृत्य शैली को जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सीमाओं में भी गुंजायमान किया है, बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रतिभावान आदरणीय ओमनिस दास जी, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। ओडिसी नृत्य के ये विशेषज्ञ हैं और ओडिसी नृत्य जो है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है जिसका इन्होंने भरपूर मान बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनकी साथी जिन्होंने इस मंच को सजाने में हमारे सभी कलाकार साथियों का हौसला बढ़ाया, और कुशल नृत्यांगना दीपानिता चक्रवर्ती जी, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। विभिन्न विश्वविद्यालय जो हमारी पहुंच से छूटे हुए हैं, जिन्हें सम्मान करने का गौरव हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं, अगर वो उपस्थित हैं तो कृपया आप मंच पर पधारेंगे। अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के कोई प्रतिनिधि अगर हो तो कृपया मंच पर आए। BDSL महिला कॉलेज घाटशिला, BDSL महिला कॉलेज घाटशिला, उदय मेमोरियल कॉलेज रांची से अगर कोई प्रतिभागी हैं तो, कोई छात्र हैं तो आप अपने महाविद्यालय के एवज में ये सम्मान ग्रहण कर सकते हैं, आपका स्वागत है। हाँ
हमारे साथ हैं अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्रतिनिधि, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज का। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हमने एक बड़ी ही सुंदर और मार्मिक नृत्य नाटिका का आनंद लिया था, जहां मीरा की कृष्ण भक्ति का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ था। इस नृत्य नाटिका के जो निर्देशक थे आदरणीय संजय जी, उनका भी जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत श्री संजय जी का। समय रहते अगर संजय जी इस मंच से जुड़ते हैं तो हम उन्हें सम्मानित करने का ये पल फिर से प्राप्त करेंगे। आदरणीय मित्रों, नृत्य नाटिका को निर्देशित करने वाले निर्देशक कलाकार श्री संजय दत्ता जी, जोरदार तालियों से स्वागत। आदरणीय मित्रों, सारे साथी काम के हैं और सबका कुछ ना कुछ मोल, मगर जो सफर में काम आए वो सबसे अनमोल। हमारे कुछ ऐसे अनमोल साथी हैं इस मंच से जुड़े हुए, इस महोत्सव से जुड़े हुए। वैसे तो वो घर के हैं, मगर घर वाले की मेहनत को भी अगर हम सलाम ना करें तो ये बहुत ही खुदगर्जी होगी। इस 3 दिवसीय महोत्सव को जिन्होंने अपने अनुभव से कदम कदम 2400 घंटा, जिनकी जेहन में सिर्फ और सिर्फ ये महोत्सव रहता था और जिन्होंने अपनी जीतोड़ मेहनत से इसे सफल और कारगर बनाया है, वो फेहरिस्त काफी लंबी है, मगर कुछ नामों को मैं सांकेतिक तौर पर बोल रहा हूं और बाकी सारे लोग जुड़ जाएंगे और इस मंच पर पधारेंगे। मैं बहुत ही आदर सहित मंच पर अभिनंदन करना चाहूंगा और आप सब उनका अपनी तालियों से इनाम उन्हें सौंपेंगे। हमारे इस संस्था के एचओडी श्री धनंजय महतो जी, इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने, जिनको आपने हमेशा एक पैर इस मंच पर और एक पैर अतिथियों के बीच देते देखा है, जो हर एक पल की गवाह बनी है, हर एक पल पर, हर एक क्षण जिनकी नजर रही है और बहुत ही प्यारी, इतनी मेहनत के बाद भी मुस्कुराहट उनके चेहरे का हमेशा श्रृंगार रही है। जोरदार तालियों से स्वागत हो भाव्या भूषण जी का। और मैंने पहले भी कहा है, ये क्षमा करेंगे, मैंने सांकेतिक तौर पर केवल इनका नाम लिया है। इनके साथ पूरी टीम को मैं धनंजय सर से की सबों को नाम लेकर वो मंच पर बुलाएं। साइनिका मिश्रा, विकास प्रसाद, सुधांशु कुमार, रचना रेशमी, देवप्रिय सरकार, माधुरी कुमारी, ए सुभाषिनी, पिंकी कुमारी, जयश्री, चंचला कुमारी, विनय सर, गणेश महतो, सूर्यजीत सर, हरेंद्र पंडित सर, कुछ मेरे नॉन टीचिंग भी हैं जो रात दिन काम किए हैं, कुंडू, दीपक, विकास प्रसाद शायद हम अभी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सुधांशु सर भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ हम लोग का काम अभी भी ड्यू है, और जो भी टीचर यहाँ उपस्थित नहीं है, अभी लास्ट मोमेंट में जो लोग
कार्य है हम लोग का, उसको संपन्न करने के लिए वो लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग उन लोगों का भी फिर से और एक बार जोड़ेंगे आप लोग का लास्ट में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का, एक बार पुनः जोरदार तालियों का सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मित्रों, आसमान को मुट्ठी में कैद करने की ख्वाहिश और अपनी पहचान कायम रखने का अरमान, फक्र होता है हमें आपके इस जज्बे पर और खुशी होती है इस बात की कि हर दम हर पल हर कदम झारखंड की धरती और स्टील की नगरी में श्रीनाथ कॉलेज आपके साथ है। आइए सफलता के इस दौर में, इस मोड़ पर और चुनौतियों के इस मोड़ पर हमेशा से श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि कदमों को न थामो, ये उड़ते हैं जोश में और आसमान का स्वाद है जीत के आगोश में। तो जीत के जुनून में कामयाबी की एक नई कहानी जो आप लिखने जा रहे हैं, हम वैसे विजेताओं को सम्मानित करेंगे और उन्हें सम्मान देने के लिए शहर के ऐसे खास गणमान्य व्यक्तित्व हमारे बीच हैं जिन्हें हम आदर सहित मंच पर आमंत्रित करेंगे। मगर एक शख्सियत जो हमसे छूट नहीं रही थी, बल्कि हम ये बताना चाह रहे थे कि इस पूरे परिवार में वो सबसे मुख्य किरदार हैं। वैसे तो माना जाता है कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष जो है बहुत बलशाली होते हैं। ऐसे ही एक बलशाली व्यक्तित्व आदरणीय सुखदेव महतो जी भी हैं जो संस्थान के चेयरमैन हैं। मगर माना कि पुरुष बलशाली हैं पर जीतती हमेशा नारी है और सावरिया के 56 भोग पर भी एक तुलसी भारी है। तो ऐसे ही एक हमारी साथी हैं जो सुखदेव जी के हर कदमों का अनुसरण करती हैं, उनके कदम से कदम कंधे से कंधा मिलाकर उनके सुख दुख में उनका वर्णन करती हैं और हमारी हम सबों की प्रिय और आदरणीय सुखदेव महतो जी की प्रिय धर्म पत्नी कहलाती हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत श्रीमती अनिता महतो जी का। इस पूरे संस्थान में जो पर्दे के पीछे रहकर चाहे वो संस्थान से जुड़े सदस्य हो, संस्थान से जुड़े छात्र छात्राएं हो, उन सबों का जो वो ख्याल रखती हैं, मैं संस्थान के तरफ से डॉक्टर रमाशंकर जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय अनिता महतो जी को हम सबों का प्यार और सम्मान पुष्पगुच्छ के रूप में उन्हें भेंट करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद। आदरणीय मित्रों, कहते हैं खुदा ने लोगों को एक दूजे से मिलाया है और कोई ना कोई अनमोल रिश्ता बनाया है, और यह भी कहा गया है कि यह रिश्ता रहेगा उसका ही कायम जिसने इस रिश्ते को दिल से निभाया है। तो ऊपर वाले के बनाए गए मोहब्बत के इस रिश्ते को दिल से निभाने के लिए विश्वास की बुनियाद पर इस मंच से जुड़ रहे हैं हमारे आज के पारितोषिक वितरण के मुख्य अतिथि के रूप में जो इस मंच की गरिमा बढ़ाएंगे, मैं बहुत ही आदर सहित मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अर्का जैन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसएस रजी साहब को। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत। हमारे साथ हैं कुल्हान विश्वविद्यालय से परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पीके पानी जी। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत और अभिनंदन। कुल्हान विश्वविद्यालय से ही हमारे साथ हैं वित्तीय पदाधिकारी श्री सुधांशु कुमार जी। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय मित्रों, कहा जाता है कि जहां से
इंसान का स्वार्थ समाप्त हो जाता है वहीं से इंसानियत की शुरुआत होती है। लोग कहते हैं कि इंसान का अमीर होना जरूरी है, पर यह मंच मानता है कि इंसान में जमीर का होना जरूरी है। ऐसे ही जमीर वाले एक शख्सियत जो इस शहर के युवाओं को रोजगार देने का शानदार काम करते हैं और राबिया इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल मंच पर जनाब जावेद अख्तर साहब का, चेयरमैन राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट। बहुत ही आदर सहित मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस पूरे समारोह को जो पिछले 4 वर्षों से लगातार अपने अनुभव के रूप में अभिभावक के रूप में हमारा साथ दे रहे हैं और हर प्रतियोगिताओं में मुख्य निर्णायक की जो भूमिका निभाते हैं, जो इस शहर के ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय के HOD हिंदी विभाग के हैं, सेवानिवृत्त हैं, उतने ही प्यार से आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच हैं आदरणीय BN पेनाली जी। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत आदरणीय BN पेनाली जी का। आदरणीय मित्रों, कहा जाता है कि इस धरती पर हमें 2 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक वो जिन्होंने आपके लिए सब कुछ हारा हो, यानी आपके पिता, और दूसरे वो जिनको आपने हर दुख में पुकारा हो, यानी आपकी माँ। और ऐसे माता पिता अगर हमारे बीच हो तो उनका आदर और सत्कार करना जाहिर सी बात बनती है। हमारी बीच है हम सबों की प्यारी माता आदरणीय संध्या महतो जी, हम जोरदार तालियों से उनको प्रणाम करते हैं और हमारे प्रिय पिता आदरणीय शंभू महतो जी को जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सबों को बताना चाहूंगा कि 2011 में संध्या शंभू एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से इस संस्था की स्थापना हुई, फिर माता और पिता और ईश्वर के आशीर्वाद से 50 बच्चों से शुरू किया गया ये सफर जो आज 400 बच्चों का कारवां बन गया है। और इस कारवे में हर वर्ष इस हिंदी महोत्सव में शहर के गणमान्य लोग शामिल होते हैं और हमें आशीष देते हैं। मैं चेयरमैन श्री सुखदेव महतो जी से निवेदन करूंगा कि सभी माननीय महानुभावों का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से उनका अभिनंदन करें। सर्वप्रथम डॉक्टर SS रजी साहब, शिक्षण की दुनिया में इनके अनुभव को पूरा प्रदेश जानता है, मानता है, और उच्च शिक्षण में खासकर इन्होंने जो अपनी सेवाएं दी हैं उसके लिए सारा शहर और ये प्रदेश इनका ऋणी है। बहुत ही आदर सहित श्रीनाथ के इस मंच पे हम डॉक्टर रजी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। में एक को भेजिए, वो कलेक्ट करके लेते चल जाएंगे, बाद में पहुंचा दें, किसी और को भेजिए। हमारे बीच हैं कुल्हान विश्वविद्यालय से परीक्षक नियंत्रक डॉक्टर PK पानी जी, संस्था की तरफ से उनका स्वागत और सम्मान। इस मंच पर अभिनंदन संस्था की तरफ से होगा कुल्हान विश्वविद्यालय के वित्तीय पदाधिकारी श्री सुधांशु कुमार जी का। पुष्पगुच्छ का ये उपहार प्रेम स्वरूप स्मृति चिन्ह और श्रद्धा स्वरूप शॉल भेंट, आदरणीय सुधांशु कुमार जी। हमारे साथ
शहर के जाने माने विख्यात शिक्षाविदों में शामिल और साथ ही भारत के युवाओं को रोजगार उन्मुख जो पढ़ाई उपलब्ध कराते हैं और प्रतिवर्ष इनके इंस्टीट्यूट से तकरीबन 700 युवा अस्थाई रोजगार के लिए खुद को तराश कर निकलते हैं और जो कहते हैं, जो मानते हैं कि हम काम भी सिखाते हैं और संस्कार भी सिखाते हैं। तो काम और संस्कार को सिखाने वाले ऐसे शिक्षक के रूप में, ऐसे नेतृत्वकर्ता के रूप में जनाब जावेद अख्तर साहब। ट्रे ले लीजिए। तालियों का महत्व तो हमने कल आपको समझाया था, ये बैठे वाले लोगों को भी ऊर्जा प्रदान करती है और मंच पर जो होते हैं उनको वो हौसला देती है। हमारे साथ हमारे अभिभावक और मुख्य निर्णायक के रूप में जिन्होंने अपने अनुभव और सेवा को इस मंच को प्रदान किया, आदरणीय बीएन पेनाली जी। मैं कौशिक मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर बैठे ईश्वर तुल्य, धरती के भगवान, हमारे माता पिता, इस संस्था को जिन्होंने अपना आशीष आशीर्वाद दिया, श्रीमती संध्या महतो और श्री शंभू महतो जी, फूलों के गुलदस्ते से उनका स्वागत और सम्मान करें। आदरणीय मित्रों, कहते हैं कि इस धरती पर मुश्किल है अंदाज लगा पाना माँ की ममता का और पिता की क्षमता का। तो ऐसी ममतामयी और ऐसे क्षमताशाली माता पिता जब हमारे अपने आंगन में हो तो कामयाबी, समृद्धि, खुशियां लाजमी है कि हमारे आंगन में बढ़ेगी। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों का सलाम आदरणीय शंभू महतो जी और संध्या महतो जी को। आप सभी इंतजार कर रहे हैं जिस पल का, उसमें थोड़े से इंतजार की घड़ियां को आप और शामिल कर लें, क्योंकि ऐसे बड़े ही कम मौके मिलते हैं जब इतने विद्वान लोग एक साथ मंच पर आसीन हो, हमारे सम्मुख हो। तो हम ये मौका बिल्कुल अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और दो शब्द के रूप में इनके आशीर्वादों को, इनके मार्गदर्शन को हम अपने दिलो दिमाग तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं बहुत ही आदर सहित कोल्हान विश्वविद्यालय से पधारे वित्तीय पदाधिकारी श्री सुधांशु कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबों का हौसला अफजाई करें। धन्यवाद चंद्रवंशी जी। केवल एक चीज से असहमत हूँ कि इन्होंने बोला विद्वान, विद्वता को छोड़कर बाकी तो ठीक है, क्योंकि यहाँ काफी विद्वान लेखक, साहित्य रचनाकार, कवि और शिक्षक, सारे विद्वान लोग हैं। उस बीच में हम लोगों के तो विद्वता का तो कोई बात नहीं है, लेकिन तब भी इन्होंने विद्वता, इसलिए इनका धन्यवाद। इस चतुर्थ श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जो श्रीनाथ बीएड कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है, इसको आयोजन करने के लिए मैं संपूर्ण श्रीनाथ परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
कि इन्होंने लगातार इस परंपरा को चालू रखा है और पिछले 4 सालों से लगातार इसको, पिछले साल मुझे जहाँ तक याद है शायद 2 दिनों का था ना, इस बार इन्होंने बढ़ा कर इसे 3 दिन किया है। हो सकता है 3-4 साल बाद करते करते ये पखवाड़ा तक पहुँच जाए और ये बहुत ही अच्छा रहेगा हम लोग के हिंदी के लिए। हिंदी को हम लोग बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन हिंदी को कैसे ताकत मिले, कैसे इसको हम लोग हर जगह बिना शर्म के बिना किसी लिहाज के, बहुत जगह लोग जाते हैं और हिंदी बोलने में कतराते हैं। अब समझ हम इससे इसी उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम लोग का 1947 में आज़ाद होने के बाद, और ये हम लोग जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान में पढ़ते थे कि सबसे पहले हिंदी में किसने भाषण दिया संयुक्त राष्ट्र में, और वो 1977 या 80 के बीच में ही, और जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बिताए स्वर्गीय हैं, उन्होंने जाकर पहली बार 30 साल बाद, आज़ादी के 30 साल बाद उन्होंने जाकर विश्व मंच पर हिंदी में बात किया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन आज देख रहे हैं कि समय के साथ ये बढ़ते ही जा रही है, हम लोग का हर मंच पर जाकर अब हमारे जो भी नेता हैं वो लोग जाकर इसको शाम से हिंदी में अपना बात करते हैं। भले ही अभी आने वाला है यूएन जनरल असेंबली, उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हो पुनः हिंदी में बात करेंगे, और ये करना भी चाहिए हम लोग को बिना झिझक के, बिना के। जब हम लोग घर में बात करते हैं, हम लोग सारा सवाल तो किसी विशेष कार्यक्रम में जाकर बात करने में पता नहीं क्या हो जाता है कि उस समय ये हिंदी का अपमान होता है। बहुत बार हम लोग दूरदर्शन और टीवी पर देखते हैं जो कि ये प्राइज वितरण डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो उसमें जिनका हिंदी में गाने का और हिंदी के फिल्म के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वो लोग जब मंच पर आते हैं तो बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू कंटिन्यू थैंक्स माई, तो कितना उस समय अपमानजनक लगता है वो सोचा नहीं जा सकता। ये सब इसी तरह के आयोजन से हम लोग इसको, और अभी विश्व पटल में अभी हम लोग लगातार देखें तो देखिए करीब 10-15 दिन पहले की बात है, हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब, वो लोग आपस में बात करके, और उसमें ट्रंप जी ने बोला था कि ये मोदी जी के बारे में कि ये हिंदी बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन हिंदी में बात अंग्रेजी बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। ये एक तरह से उपलब्धि है हम लोगों के लिए, और इसी तरह से हम लोगों को जहाँ भी मंच मिले, जहाँ भी मिले, इस तरह के आयोजन करें और हम लोग अपने हिंदी के प्रति निष्ठा दर्शाएं, तो इससे हमारा काफ़ी आगे नाम होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधांशु कुमार जी। हमारे साथ मर्च की गरिमा बढ़ाते हुए कुल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आदरणीय डॉक्टर पी के पानी साहब, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वाद के हम सबों के बीच रखें। धन्यवाद चंद्रवंशी जी। मंच पर आसीन शिक्षाविद तथा मंच के बाहर भी उपस्थित शिक्षाविद, ये 4th श्रीनाथ महोत्सव का हिंदी महोत्सव मनाया जा रहा है, और अधिकतर समय में करीब करीब हिंदी महोत्सव में मैं भी उपस्थित रहा हूँ, और हमेशा ये देखता हूँ कि हिंदी महोत्सव में हिंदी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इनके जो प्रयास हैं, ये प्रयास को हम काफ़ी सराहना करते हैं। इस क्रम में देखा जाए तो हिंदी हमारे लिए संस्कृति की रक्षा करने वाली एक भाषा मानी जाती है, ये हमारी संस्कृति की रक्षा करती है, ये हमारी भाषा की रक्षा करती है। हमारे भले ही मातृभाषा कुछ भी हो, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है। 1949 में 14 सितंबर को यही हिंदी भाषा के लिए एक राष्ट्र के एक ही भाषा मातृभाषा के रूप में इसको लाने के लिए प्रयास किया गया, और इसी के प्रयास में इसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया गया, और ये पूरे सितंबर महीना धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने उस अथक प्रयास को आगे बढ़ाने के क्रम में हम हिंदी को प्रोत्साहन देने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे हैं, और इसी प्रयास की एक कड़ी है श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने अपने ही उपलब्धि के आधार पर हिंदी की भाषा की गरिमा को बरकरार और उसके बढ़ावा देने के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदी की लगातार निरंतर विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।
और जहां तक ये सवाल है पुरस्कार वितरण ये सब जो मामले हैं इसमें हार जीत तो लगी रहती है, कोई हारता भी है कोई जीतता भी है, हार से मायूस नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, हमें अपने निरंतर प्रयास जारी रखनी चाहिए, हम अपने प्रयास के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन अंग्रेजी से बढ़ करके हमें हिंदी में ही सफलता मिलेगी, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है हर जगह अंग्रेजी का प्रयास किया जा रहा है, उसको बढ़ावा मिल रही है। हमें मातृभाषा के साथ साथ हिंदी का विस्तार, हिंदी का विकास ये होना आवश्यक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस तरह प्रयास हमेशा करता रहे और इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पी के पानी साहब आपकी इस हौसला अफजाई के लिए। आदरणीय मित्रों हम सुनना चाहेंगे उस शख्सियत को जिनकी बातों में जिंदगी की चमक है, जिनकी पुरनोर पुरसोर दिलकश आवाज और अंदाज हम सभी युवाओं को प्रेरित करती है। एक ऐसी शख्सियत जिनका मानना कि जिम्मेदारी की कोई उम्र नहीं होती, कोई बचपन में भी निभाता है तो कोई बचपन में भी भूल जाता है, मगर वो शख्स ये मानते हैं कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, मगर जो पसीने से नहाता है वो आने वाला इतिहास बदलता है। तो ऐसी ही शख्सियत अपने बातों में जो दम रखते हैं, मैं बहुत ही दमदार तरीके से उनको आवाज देना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ, जनाब जावेद अख्तर साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के होस्ट और मेरे प्यारे दोस्त उदय साहब के लिए और ये श्रीनाथ कॉलेज के तमाम स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स और इसके डायरेक्टर चेयरमैन सबों को मेरा बहुत बहुत मुबारक हो। ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं वो ऐसा लगता है कि कल टीचर बनेंगे, क्योंकि ये बीएड कॉलेज का प्रोग्राम है। अभी तक लोग हिंदी की बात कर रहे थे, मैं उर्दू से आता हूं लेकिन घुसपैठिया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। तो मैं अपनी बात को एक शेर से शुरू करता हूं कि हिंदी और उर्दू में, हिंदी और उर्दू में फर्क है इतना, हिंदी और उर्दू में फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना। साथियों एक ख्वाब है यहां मौजूद तमाम लोगों का कि हिंदी को वो मुकाम मिले जिस मुकाम की वो हकदार है। उर्दू के साथ जो मसला है कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू का कत्ल उसके घर में हो रहा है, यही मसला हिंदी के साथ है। कोई भी आदमी ये बताते हुए शर्माता है कि उसका बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है, लेकिन बड़ी फक्र से बोलता है कि लॉयला और कॉन्वेंट में हमारा बच्चा पढ़ता है। ये दुर्भाग कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं हुआ है, ये हमारे अंदर से जनरेट हुआ है। गुलामी हमारे अंदर से निकली नहीं है, इसको निकालने की जरूरत है। जिस दिन ये गुलामी हमारे अंदर से निकल जाएगी उस दिन हिंदी को असल मुकाम मिलेगा। उत्सव दो बार मनाया जाता है, या तो किसी चीज को प्रेरित करने के लिए या फिर किसी कामयाबी पे जश्न मनाने के लिए। ना ये जश्न है ना प्रेरणा है, ये एक जद्दोजहद है कि हम अपने मातृभाषा को उसका मुकाम दिला दें।
आप में से कितने लोग हैं जो पूरे तरीके से हिंदी बोल पाते हैं? अल्फाज की कमी है, शब्दों की कमी है, इस पे खोज क्यों नहीं होता है? खूबसूरत और प्यारे अल्फाज हों। यहां जितने लोग थे तमाम लोग उर्दू और हिंदी को मिक्स करके बोल रहे थे। मैं अपने मां के घर से आया हूं उर्दू से, और ये मेरी मौसी का घर है हिंदी। आप कभी भी, जुबान क्या होता है, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, आवाज में फर्क है, जुबान में फर्क है, इस फर्क को समझना होगा। जुबान वो बेहतर है जो मीठी हो, जो आपको अपील करे, आप तक पहुंचे। कोशिश ये नहीं होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने अल्फाज की कमी को कैसे पूरा करें। और हमको नहीं लगता कि सिवाय भाषण के और पोस्टरबाजी के और सरकार के प्रोग्राम के कि किसी तरीके से ये बात चर्चा में रहे, और कुछ नहीं है। सबसे पहले विद्वानों को एक साथ बैठकर एक कमेटी बनाकर अल्फाज, लफ्ज, शब्द ढूंढना होगा। आप तमाम टीचर यहां बैठे हैं, मैं थोड़ा सा टीचर पे बात करना चाहता हूं। सिकंदर आजम, द ग्रेट अलेक्जेंडर का नाम सबने सुना होगा, हर आदमी जानता है, इतिहास के पन्नों में इनका नाम कभी मिटाया नहीं जा सकता। उनके उस्ताद सोक्रात, सोक्रात ने तालीम दी प्लेटो को, प्लेटो ने अरस्तु को, और अरस्तु ने सिकंदर को, तब सिकंदर सिकंदर आजम बना। उस्ताद, टीचर, शिक्षक के अंदर ये जज्बा अगर नहीं है तो वो क्या प्रोडक्ट करेगा, समाज को क्या देगा? आप बाई चॉइस टीचर बनने जा रहे हैं इतनी मेहनत करके, तो आप उसको समझिए कि आप क्या हैं, आप समाज को क्या देना चाहते हैं। आपसे जो लोग, मैं अपने बारे दो मिनट में एक बात बता के बात को खत्म करूंगा। मेरे सर, मेरे उस्ताद डॉक्टर सफदर रजी यहाँ हैं, मैं उनके सामने क्या बोलूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं अपने बारे में। मैं क्लास 8 में था और मैथ में 98% मार्क्स मिला। मैं इस बात से बहुत नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ कि हंगामा हो गया स्कूल में, और शफीक साहब जो करीमिया ट्रस्ट के मालिक थे उनको आना पड़ा, और उनके साथ डॉक्टर मंजर काजमी जो बाद में प्रिंसिपल बने वो आए। हमको बोले तुम क्यों इतना हंगामा किए, हम बोले मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो बोले दो ही नंबर तो कम है, हम बोले आधा नंबर भी कम है तो कम हो गया, 100 नहीं हुआ। कॉपी चेक किया गया, मेरे को 100 नंबर दिया गया, तो हम बोले नहीं हमको 110 चाहिए। बोले क्यों, हम बोले एक्सलेंट का, इसलिए कि जितना साफ सुथरा मेरा कॉपी है और इतने झंझट के बाद हमको ये नंबर मिला है, इसलिए मेरे को 110 चाहिए। बोले ऐसा नहीं होगा, हम बोले स्कूल छोड़ रहे हैं, हम अभी यार इसी वक्त स्कूल छोड़ रहे हैं, और लिख के दिए कि कोई टीचर स्कूल में ऐसा नहीं है जो मेरे को पढ़ा सके, इसलिए मैं स्कूल छोड़ रहा हूं, और स्कूल छोड़ दिया। आपके साथ ऐसा ना हो कि कल कोई बच्चा आपको बोले कि आप इस लायक नहीं हैं। अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए। तालीम अलग होता है और बच्चों की तरबियत अलग होती है। मेरा बच्चा मदर्स होम, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां पढ़ता था, वहां का प्रिंसिपल हमको बुलवाया और बोला देखिए ये एक सामान बना के लाया है, टूल्स, जिसको बच्चों को सटाता है तो करंट लगता है, तो हम बोले इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? बोले ये बदमाशी कर रहा है। हम बोले ये आविष्कार किया है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है?
कि एक ऐसा यंत्र ये फोर्थ क्लास का बच्चा आविष्कार किया है जो दूसरे को सटाता है तो करंट मारता है। आप इसका हौसला बढ़ाइए, आप अपने कॉलेज स्कूल में एक लैब बनाइए जहां बच्चों को मौका दीजिए। और मैं वहां से अपने बच्चे को निकाल लिया, दिल्ली पब्लिक स्कूल में डाला, आज वो मर्चेंट नेवी का कोर्स कर रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट किया। कल कोई बच्चा ये ना बोले कि आपके चलते हम स्कूल छोड़ रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब जावेद अख्तर साहब। आदरणीय मित्रों, अब जिस पल का हमें इंतजार है वो पल बिल्कुल हमारे करीब मेरे आगोश में है, आपके दिल के करीब है। और हम शुरू करेंगे पारितोषिक वितरण का सिलसिला, और जहां एक एक कर हमारे गणमान्य अतिथियों के द्वारा हम पारितोषिक आपके हाथों तक पहुंचाएंगे। अंत में चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब देने से पहले आज के मंच के जो सरताज हैं जनाब डॉक्टर एसएस रिजवी साहब, मैं उनसे हम फिर मुखातिब होंगे, उनकी बातों को हम सुनेंगे। मगर उससे पहले ये पहली घोषणा हास्य कवि सम्मेलन की, और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा सारे गणमान्य अगर अपने हाथों से दे तो बच्चों को हौसला मिलेगा। मंच पर आएंगे हास्य कवि सम्मेलन, तृतीय स्थान पर है नेताजी सुभाष विद्यालय सौरभ डे, सभी गणमान्य दूसरे स्थान पर हैं, मंच के करीब तैयार रहेंगे डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन देवांशु कुमार। कोई म्यूजिक है? आदरणीय डॉक्टर पीके पानी जी, श्री सुधांशु कुमार जी और आदरणीय जावेद अख्तर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक एक कर तीनों श्रेणी के पुरस्कारों को आप प्रदान करें। तृतीय पुरस्कार सौरभ डे नेताजी सुभाष विद्यालय, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और क्या अंतर? हमको ये चीज याद दिलाइएगा। दूसरे स्थान पर डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन कदमा देवांशु कुमार। और प्रथम स्थान पर आएंगी लक्ष्मी कुमारी श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। हास्य कवि सम्मेलन प्रथम स्थान श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन लक्ष्मी कुमारी। इनके बाद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर है करिश्मा सिंकू अंजू कालिंदी महिला कॉलेज चाईबासा। दूसरे स्थान पर कुमारी राजप्रिया और डॉली पॉल श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आप जल्द से जल्द मंच पर आएंगे, अगर प्रतिभागी नहीं है तो उस कॉलेज के महाविद्यालय के जो प्रतिनिधि हैं वो भी पुरस्कार ले सकते हैं। महिला कॉलेज चाईबासा श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन क्रमशः तृतीय और द्वितीय स्थान पर,
मंच पर पधारेंगे। मैं पुनः आग्रह करूंगा डॉक्टर पी के पानी जी, श्री सुधांशु कुमार और जावेद अख्तर साहब से कि वो विजेताओं को सम्मानित करेंगे। तृतीय स्थान महिला कॉलेज चाईबासा, वो अनुपस्थित हैं। दूसरे स्थान पर श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तालियां बजती रहनी चाहिए ये बात। और इसी श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, जोरदार तालियों से स्वागत हो, जामनीकांत बीएड कॉलेज, सोनू कुमार भगत और प्रदीप मारांडी। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, प्रथम स्थान जामनीकांत बीएड कॉलेज सालबनी। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई हो सोनू कुमार और प्रदीप मरांडी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीके पानी जी, श्री सुधांशु कुमार जी और जनाब जावेद अख्तर साहब। मैं आदरणीय पी एन पेनाली जी से निवेदन करूंगा और श्री शंभु महतो जी से कि बच्चों को वो आशीर्वाद दें। सामूहिक चर्चा, अगली श्रेणी सामूहिक चर्चा में तीसरे स्थान पर है श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कनुप्रिया प्रधान। सामूहिक चर्चा में दूसरे स्थान पर है पटेल बीएड कॉलेज अभिजीत दत्तू। पटेल बीएड कॉलेज रांची से जिनकी शानदार प्रस्तुति और सहभागिता, अगर आप उपस्थित हैं तो मंच पर आए। इसी श्रेणी में प्रथम स्थान पर है सामूहिक चर्चा के मॉस्कॉम करीम सिटी कॉलेज राजलक्ष्मी। चर्चा प्रथम स्थान करीम सिटी कॉलेज मॉस्कॉम से राजलक्ष्मी, जोरदार तालियों का सलाम। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रतियोगिता अल्पना, आदरणीय बीएन पेनाली जी और शंभू महतो जी बने रहेंगे हमारे साथ। अल्पना प्रतियोगिता तृतीय स्थान पर रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गीति लता। और इसी श्रेणी में तृतीय स्थान पर दूसरी महाविद्यालय भी विजेता रही है, आप हैं उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज रांची। पूर्णिमा मंडल और मुनीषा, आप इस तीसरे स्थान के हकदार हैं, सम्मिलित रूप से आप मंच पे पधारे। रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गीति लता और उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज रांची। Bomb drop!
सम्मिलित रूप से तीसरे स्थान के विजेता हैं पूर्णिमा मंडल और मनीषा क्रमशः रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन इतिलता और उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज रांची से। इसी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर है अर्का जैन विश्वविद्यालय गम्हरिया नवनीता बोस। द्वितीय स्थान अल्पना प्रतियोगिता विजेता नवनीता बोस अर्का जैन विश्वविद्यालय से। योगिता प्रथम स्थान पर अपनी शानदार सृजन क्षमता से श्रीराज कॉलेज ऑफ एजुकेशन शताली महतो। शताली महतो आप मंच को पधारे। आप उनकी जगह में उनके साथी या उनके शिक्षक भी ये पुरस्कार ग्रहण कर सकते हैं। सेम के बाद सफर आगे बढ़ेगा सुनो कहानी से। सुनो कहानी के तृतीय स्थान के विजेता पुनः सम्मिलित रूप में हमारे साथ हैं नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय और उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज से अरुणी मिश्रा और स्मृति गुड़िया। नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय पोखरी और उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज रांची से जोरदार तालियों से स्वागत तृतीय स्थान के सम्मिलित विजेता सुनो कहानी प्रतियोगिता। मेमोरियल बीएड कॉलेज रांची से तीसरे स्थान की पुरस्कार लेती स्मृति गुड़िया और दूसरे स्थान पर है नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय पोखरी अपनी विजेता साथी अरुणी मिश्रा के लिए पुरस्कार ग्रहण करेगी। सम्मिलित रूप से तीसरा पुरस्कार जोरदार तालियों के साथ। और इसी श्रेणी में द्वितीय स्थान पर जिन्होंने अपनी जगह मुकम्मल की है लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन रेशमा टुंडुन। कहानी स्थान दूसरा विजेता रेशमा डुंगडुंग महाविद्यालय लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इस प्रतियोगिता पे अपनी जबरदस्त अदायगी से जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया खूंटी से पधारे पटेल बीएड कॉलेज की अभिजीत टप्पो। उनके साथी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीएम प्रणाली जी आदरणीय शंभु महतो जी कृपया आप स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः मैं श्री सुधांशु कुमार जी और आदरणीय जावेद अख्तर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे अगले विजेता जो आशु कविता श्रेणी से हैं
और अपनी सृजनशीलता से जिन्होंने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया, आप हैं जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज फॉर बीएड प्रियंका सिंह। और दूसरे स्थान के लिए भी मंच के करीब रहेंगी महिला कॉलेज चाईबासा से नीतू कुमारी। और इसी आशुक कविता में प्रथम स्थान पर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराती कुमारी राजप्रिया श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। तृतीय स्थान आदरणीय सुधांशु कुमार जी और जावेद अख्तर साहब प्रदान करेंगे प्रियंका सिंह को जमशेदपुर वेमेन्स कॉलेज बीएड शिक्षक संकाय से। दूसरे स्थान पर महिला कॉलेज चाईबासा, अगर आप उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पधारे। प्रथम स्थान के लिए कुमारी राजप्रिया, जोरदार तालियों से अभिनंदन श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन का। अगली प्रतियोगिता उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है तीसरे स्थान के लिए, आप हैं इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन दुगनी से स्वाति कुमारी। और द्वितीय स्थान पर है द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन बीएड साक्षी से खुशबू लामा। अनुरोध होगा श्री सुधांशु कुमार और जावेद अख्तर साहब से कि छात्राओं को, विजेताओं को उनका पुरस्कार वो प्रदान करें। उल्टा पुल्टा तीसरा स्थान स्वाति कुमारी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन दुगनी से। तीसरा स्थान स्वाति कुमारी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन दुगनी, प्रतियोगिता उल्टा पुल्टा। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ वुमेन से हैं खुशबू लामा। जोरदार तालियों से स्वागत खुशबू लामा को। और उल्टा पुल्टा प्रथम स्थान, शानदार अभिव्यक्ति और विवेक का कमाल, रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गीतिलता संतोष कुमार जी, प्रथम स्थान के विजेता। बहुत धन्यवाद श्री सुधांशु कुमार जी और जनाब जावेद अख्तर साहब। अगली श्रेणी साहित्यिक सफर की, और इन साहित्यिक सफर के जो यहां दो प्रेमी हैं जो मंच में परोक्ष रूप से सम्मिलित हैं, मैं अनुरोध करूंगा श्री सुखदेव महतो जी और श्री कौशिक मिश्रा जी से कि वो आए और साथ देने के लिए विनती करूंगा डॉक्टर रामाशंकर जी से कि आप सम्मिलित रूप से साहित्यिक सफर के विजेताओं को सम्मानित करें।
साहित्यिक सफर तृतीय स्थान पर। इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन दुगनी के रंभा और संध्या कुमारी। इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन दुगनी के रंभा और संध्या कुमारी। साहित्यिक सफर में ही जिन्होंने दूसरा स्थान सुनिश्चित किया है, रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कीर्ति लता, पूनम सिंह और स्मृति पॉल। साहित्यिक सफर में जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया, मोनिका बी आनंद, निशा कुमारी, श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अगला पड़ाव समाचार वाचन। समाचार वाचन में जिन्होंने तीसरा स्थान सुनिश्चित किया, आप है TBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन कदमा, आनंदिता बोस, पिंकी शर्मा। समाचार वाचन में ही अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई दूसरे स्थान के हकदार हुए करीम सिटी कॉलेज मास्कॉम, अमित कुमार और राज लक्ष्मी। पुरस्कार ग्रहण करते हुए करीम सिटी कॉलेज मास्कॉम, अमित कुमार, राजलक्ष्मी। समाचार वाचन प्रतियोगिता प्रथम स्थान सुनिश्चित किया अपनी शानदार वाचन से श्यामिकांत बीएड कॉलेज सालबनी, नंदा बोराई, तनुश्री साहा। Yes.
समाचार वाचन प्रथम स्थान श्यामी कांत बीएड कॉलेज सालबनी से पुरस्कार लेते हुए सुनंदा गोराई और तनुश्री साह। अगली श्रेणी व्यर्थ से अर्थ, अपने आप में एक अनोखी सोच और इस सोच के जो निर्माता हैं वो मंच पर हैं त्रिदेव के रूप में, जिनकी सोच की ये उपज, ये शानदार प्रतियोगिता व्यर्थ से अर्थ। तीसरे स्थान पर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन सालबनी, ओम प्रकाश महतो, देवाशीष महतो जी। और इसी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर एक बार फिर से अपना हक जता रहे श्यामनी कांत बीएड कॉलेज सालबनी, विपुल राणा, खुशबू बिरने। दूसरे स्थान के लिए आप मंच के करीब तैयार रहेंगे। व्यर्थ से अर्थ प्रतियोगिता तीसरा स्थान का पुरस्कार स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन सालबनी को। पुरस्कार लेते हुए ओम प्रकाश महतो, देवाशीष महतो। जो तथालियों से अभिनंदन हो दूसरे स्थान पर व्यर्थ से अर्थ के विजेता श्यामनी कांत बीएड कॉलेज, विपुल राणा, खुशबू बिरनेट। और इसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर है टॉमी दंडापत और लक्ष्मी कुमारी, शिरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सृजनशीलता की अनुपम मिसाल व्यर्थ से अर्थ, प्रथम स्थान श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जो बिकता है वही बिकता है, ऐसा अक्सर माना जाता है विज्ञापन की दुनिया में। और विज्ञापन रचना में जिन्होंने खुद को बेचने की कवायद में अपने को स्थापित किया, तीसरे स्थान पर आप हैं डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन कदमा, रश्मि कुमारी, खुशबू यादव और मेधाश्री। और इसी विज्ञापन रचना में दूसरे स्थान पर है श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन आदित्यपुर, अंकित गिरी, कनुप्रिया और पूजा कुमारी। आप मंच के पास तैयार रहेंगे। विज्ञापन रचना दूसरा स्थान श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन से अंकित गिरी, कनुप्रिया प्रधान और पूजा कुमार। विज्ञापन की अनोखी दुनिया, इस अनोखी चमकती दमकती दुनिया में अपने उत्पाद को पूरी गुणवत्ता के साथ जिन्होंने बेचा है और प्रथम स्थान पर आए हैं करीम सिटी कॉलेज मास्कॉम, मंजू हांसदा, शिवानी कुमारी और आफरीन नास।
शानदार प्रयास पूरी सफलता के साथ पहले स्थान के हकदार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों महाशय का। मैं बहुत ही आदर सहित अगली प्रतियोगिता कुर्ते पर चित्रकारी और लघु नाटिका विजेताओं को सम्मानित करने के लिए मैं अपने माननीय निर्णायक वृंद आदरणीय गौतम शंकर जी और श्री राकेश पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँ। कुर्ते पे चित्रकारी अपने आप में एक अद्भुत कलाकारी, और इस अद्भुत कलाकारी में जिन्होंने तीसरा स्थान पाया है, आप हैं श्यामनिकांत बीएड कॉलेज से सुजाता कुमारी और नंदिता। साल बनी श्यामनिकांत बीएड कॉलेज से तीसरे स्थान की विजेता सुजाता कुमारी और नंदिता, उनके एवज में महाविद्यालय के प्रतिनिधि ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। कुर्ते पे चित्रकारी दूसरा स्थान पाया है मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक्रधरपुर, पूजा पॉल मंच पर पधारेंगे। कुर्ते पे चित्रकारी दूसरा स्थान मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक्रधरपुर से। पूजा पॉल के लिए उनके महाविद्यालय के प्रतिनिधि ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे, और इसी कुर्ते पे चित्रकारी और अपनी कलाकारी दिखाते हुए जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आप हैं जमशेदपुर के वुमेन्स कॉलेज बीएड से गीता कालुंदिया और प्रीति शर्मा। प्रथम स्थान कुर्ते पे चित्रकारी जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज बीएड से गीता कालुंडिया और प्रीति शर्मा, शानदार उपलब्धि जोरदार तालियों के इनाम के साथ। अगली श्रेणी लघु नाटिका का, लघु नाटिका में जिन्होंने अपनी भावभीनी अदायगी से निर्णायक वृंदों का दिल जीता है और तीसरे स्थान पर है, आप हैं उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज रांची। मंच पर पधारेंगे अमित कुमार, सौरभ मिंज, सूरज बंसियार, काजल कुमारी, रेखा कुमारी, भूपेंद्र सिंह, अनिता राखी कश्यप और अमित टोप्पो। इसी लघु नाटिका प्रतियोगिता में जिन्होंने अपने जबरदस्त अदायगी से श्रोताओं का दिल जीता और उन्हें दूसरे स्थान का हकदार बनाया, आप हैं करीम सिटी कॉलेज मास्कॉम अमित कुमार, प्रिया कुमारी, अरुण कुमार, आफरीन नाज, विकास दास, अमन सिंह, नितेश और प्रिंस। We got nothing to do.
मैं गुजारिश करूंगा सहदेव जी और साजिद जी से, आप कृपया मंच पर आए। लघु नाटिका प्रथम स्थान, अपनी शानदार अभिनय से जिन्होंने दर्शकों के साथ साथ निर्णायकों को भी आह से वाह तक की सैर कराई। शानदार अदायगी के साथ प्रथम स्थान पर श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अंकित गिरी, कृति गुप्ता, कुमारी राजप्रिया, अमृता पॉल, प्रकाश कुमार महतो, प्रीति, मोनिका आनंद और कनुप्रिया प्रधान जल्द से जल्द मंच पे पधारेंगे। के लीडर श्री संजय, अगर आप हैं तो आप मंच पर आए। सभी छात्रों से निवेदन है आप अभी बैठे रहें, क्योंकि कई आकर्षक शानिता मैम से भी निवेदन है आप मंच से जुड़े। कई शानदार इनाम जो आकर्षक है, जो आकस्मिक है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है मगर जिसके हकदार आप हो सकते हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ हमारे आज के पुरस्कार वितरण समारोह के माननीय मुख्य अतिथि साहब, कुलपति हरका जैन विश्वविद्यालय से जनाब डॉक्टर एसएस रजी भी हमारे साथ हैं। इस पूरे तीन दिवसीय महोत्सव को जिन्होंने अपने कैमरे से कैद किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश पांडे जी, आदरणीय गौतम शंकर जी, आप कृपया विराजें। अगली तीन प्रतियोगिता छायाकारी, फेसबुक लाइक्स और वृत्त चित्र प्रदर्शन। इस पुरस्कार की घोषणा करने से पहले आइए डालते हैं नजर आपके मेहनत की सफलता के सफर पर। सबसे पहले छायाकारी, तीसरा स्थान, आप तालियां बजा सकते हैं इस शानदार फोटोग्राफी के लिए श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। दूसरा स्थान, क्या बात, कुमारी विनीत अर्का जैन विश्वविद्यालय से। और प्रथम स्थान पर हैं मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, इस शानदार छवि के लिए। इनके बाद बढ़ेंगे फेसबुक लाइक्स की तरफ। फेसबुक लाइक्स जिनको अत्यधिक लाइक्स मिली है, तीसरे स्थान पर हैं उदय मेमोरियल बीडीएस कॉलेज से अमित लैकरा जी। कुल लाइक्स कहाँ हैं? 204 लाइक्स। दूसरे स्थान पर डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 462। कुल 462 लाइक, जोरदार तालियों का सलाम। और प्रथम स्थान पर श्रीनाथ कॉलेज, पसंद करने वालों की संख्या 1100 यानी 1100, शानदार उपलब्धि। इसके बाद चलेंगे वृत्त चित्र
प्रदर्शन की तरफ। ओके, वृत्त चित्र हम लोग थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। छायाकारी और फेसबुक लाइक्स के जो इनाम है हम उसे पहले प्रदान करेंगे। छायाकारी और फेसबुक लाइक्स के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए मैं श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य महोदय आदरणीय रविंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारे। जोरदार तालियों से अभिनंदन श्री रविंद्र कुमार जी का। छायाकारी में तीसरे स्थान पर है श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन से प्रकाश कुमार महतो। दूसरे स्थान पर है अर्का जैन विश्वविद्यालय गम्हरिया से कुमारी प्रणीत। प्रथम स्थान पर मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक्रधरपुर विकास रंजन नायक जी। श्रेणी फेसबुक लाइक्स तीसरे स्थान पर उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज रांची से अमृत निखिल लकड़ा। फेसबुक लाइक्स तीसरा स्थान इसी श्रेणी में दूसरे स्थान पर है डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन कदमा से नेहा। कॉलेज की प्रतिनिधि भी ये सम्मान ले सकती है। आपकी शानदार सहभागिता के लिए चैंपियन ऑफ चैंपियंस का जो खिताब है वो आपको प्रदान किया जाएगा। हम सबों को इंतजार कि किसने कितने अंक अर्जित किए इस 3 दिन में और कौन होगा चैंपियंस ऑफ चैंपियन। फेसबुक लाइक्स पर जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया पमी दंडपत जी श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन आदित्यपुर से। थोड़ा तालियों का शोर हो जाए। 1, 2, 3, 4। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय। इसके बाद हम चलेंगे वृत्त चित्र प्रदर्शन की तरफ। वृत्त चित्र में जहां इस 3 दिन के इस समारोह का जो लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री वृत्त चित्र बनाना था इसके जो विजेता हैं उन 3 विजेताओं के प्रदर्शन को हम पहले सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे, फिर आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि
वाइस चांसलर अर्का जैन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर एस एस रजी साहब से हम ये इनाम उनके हकदारों तक पहुंचाएंगे। तो आइए सर्वप्रथम सिर्फ जो प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उनकी प्रस्तुति सिल्वर स्क्रीन पर। साहित्यकारों ने भी अपने विचार रखे। चौथा श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर 2019 के दूसरे दिन झारखंड भर से आए विभिन्न विश्वविद्यालयों के दर्जनों महाविद्यालयों से आए सैकड़ों विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। हास्य कवि सम्मेलन, प्रश्नोत्तरी, सामूहिक चर्चा, वाक चातुर्य, सुनो कहानी, आशु कविता, कल्पना निर्माण जैसे प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और अपनी हिंदी भाषा के ज्ञान
और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन प्रतियोगिताओं के बीच के नृत्य और संगीत की आकर्षक प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। चौथा श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर 2019 देखकर वास्तव में यह बात आयोजन पुरस्कृत करने के लिए मैं सादर अनुरोध करूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ हमारे अलकाजानी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर एसएस रजी साहब से। ये गुजारिश की ये विजेताओं को सम्मानित करेंगे, मगर उनसे पहले मैं आदरणीय रजी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मंच से परोक्ष रूप से जुड़ी दो ऐसी शख्सियत जिनका साथ इस मंच को मिल गौरवान्वित होने का मौका प्रदान के, सर्वप्रथम इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम के जो निदेशक हैं, जिनकी सोच, जो MBA जिनकी पृष्ठभूमि है, जो मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं मगर हिंदी साहित्य से जिनका बेजोड़ रिश्ता है, और बंगाली भाषा भाषी होते हुए भी हिंदी के प्रति जो उनका अगाध प्रेम है वो हमें इस मंच पर दिखता है, क्योंकि सारे प्रतियोगिताओं सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा उन्होंने अपनी सृजन शक्ति से खींची थी। मैं बहुत ही आदर सहित मंच पर अभिनंदन करना चाहूंगा श्री कौशिक मिश्र जी का। श्री कौशिक मिश्रा जी, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। युवा निदेशक जिनकी सोच को यह मंच करेगा सलाम, और इनके कदमों से हम कदम होते हुए जिन्होंने हर मोड़ पर एक सहायक साथी के रूप में इस मंच का हौसला बढ़ाया, डॉक्टर रमा शंकर जी। जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर रमा शंकर जी का। धन्यवाद रमाशंकर जी। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा, वृत्त चित्र प्रदर्शन के जो विजेता हैं, जो तीसरे स्थान पर हैं, उनको सम्मानित करने से पहले और चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब अदा करने से पहले, हमारे जितने भी युवा छात्र और छात्राएं हैं, हमारे साथी हैं, हमारा श्रीनाथ शिक्षण महाविद्यालय का ये आंगन है जो आपके मार्गदर्शन के लिए ललायित है, हम चाहेंगे अपने आशीर्वचन में पहले हम सबों की आप हौसला अफजाई करें, हमें आशीर्वाद दें। मेरे हम सफर भास्कर राव जी, दोस्तों, प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे कहा गया कि आप 4 बजे यहाँ पाइए। मैं 4 बजे से पहले 4:45 बजे जब अपने घर से निकल रहा था, एक बैग बगैर बादल के बरसात पानी बरसने लगा, तो मैंने सोचा कि अब बहुत मुश्किल है मेरा जाना, तो मैंने बारिश से कहा कि ऐ बारिश तो इतना ना बरस कि मैं श्रीदास कॉलेज जा ना सकूं। लेकिन आने के बाद बहुत सारे कार्यक्रम को देखा तो अब लग रहा है कि ऐ बारिश तू इतना बरस कि मैं यहां से जा ना सकूं। दोस्तों, प्यारे बच्चे बच्चियों, खास करके 35 महाविद्यालय से जो लोग आए हुए हैं, मैं उन सारे बच्चों का, उनके टीचर्स को मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग आए और यहाँ हिंदी महोत्सव जो मनाया जा रहा है, चौथा हिंदी महोत्सव श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन का, इसका मान सम्मान आपने बढ़ाया है। ये हिंदी महोत्सव जो हो रहा है, ये अभी जो हिंदी महोत्सव जो मनाया गया 4 दिन, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, आप जरा काइंडली गौर कीजिएगा। दो चीज बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है,
पेपर के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं और सालों साल से सुनते आ रहे हैं कि राष्ट्रभाषा में मातृभाषा जो है मेरी, मेरी धरती की जहां हम हैं हिंदी, उसको राजभाषा का दर्जा दिया जाए। बहरहाल कुछ लोगों का कहना कि हम लोग, हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम लोग इसको ऐसा क्यों न करें कि हम लोग डिफरेंट भाषा का हम लोग यहां रखें, हिंदी जैसे अपनी स्थान रखती है वो रखें। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि भाषा का कोई सीमा नहीं होती, झारखंड उसकी सीमा नहीं है या बिहार उसकी सीमा नहीं है या मध्य प्रदेश या यूपी या गुजरात या कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान में ये भाषा बोली जा रही है, बल्कि दुनिया में ये इसका तीसरा स्थान है। लेकिन किस जो भी वजह हो, हम ये कह रहे हैं कि इसको उसका वो दर्जा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जो भी कारण हो, पॉलिटिकल कारण हो या साहित्य से जो जुड़े हुए लोग हैं, खास करके भास्कर राव जी हैं, मेरे दोस्त यहां बैठे हैं तैनाली साहब, डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राचार्या हैं, आप लोग एक आंदोलन कीजिए और उस आंदोलन के जरिए आप लोग इसको प्राप्त कीजिए। ऐसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो प्राणी शास्त्र है। मैंने जो पीएचडी किया, एमएससी किया, ऑनर्स किया, वो प्राणी शास्त्र में किया। तो जहां प्राण है वहीं सब बसता है, चाहे वो भास्कर राव जी हो, चाहे वो पैनाली जी हो, चाहे कुल्हान विश्वविद्यालय के दो युवा ऑफिसर जो हैं, सारे लोग हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी और सबसे पहली भाषा जो होती है, जो बोल चाल की भाषा नहीं होती है, और वो होती है आंख की भाषा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो मां का चेहरा देखता है और मां उसका चेहरा देखती है। बच्चा मां को पहचान जाता है, मां अपने बच्चे को पहचान जाती है। तो वो भाषा बोली नहीं जा रही है लेकिन आंखों की भाषा है, और उस भाषा को हम सब जानते हैं। उसके बाद घर में जो बोलचाल की भाषा होती है, मां बाप जो बोलते हैं बच्चा वही बोलने लगता है, तब हम कहते हैं कि इसको मातृभाषा बोल रहे हैं। लेकिन मैं एज जूलॉजिस्ट और एज एन एनिमल स्टूडेंट, मैंने देखा है, अपने बच्चों को भी पाला है, अपने विद्यार्थियों को पाला है, तकरीबन 4 दशक से ज्यादा जब मैं बच्चे बच्चियों से जुड़ा हुआ हूं, कि आंख की जो भाषा होती है वो कुछ और होती है। परसों जब धनंजय जी ने मुझको टेलीफोन किया कि सुखदेव जी आपसे बात करना चाहते हैं, 3-4 दिन पहले, और उन्होंने कहा ये कि प्राइज वितरण है, उसमें आपको आना है सर। मैंने कहा ठीक है, श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वो मेरे दिल में बसता है। वो क्यों, मैं आपको बताऊं कि
आसमां की बुलंदी पे नाम हो तेरा। श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन को मैं समर्पित कर रहा हूं कि आसमां की बुलंदी पे नाम हो तेरा और चांद की धरती पे नाम हो तेरा, स्थान हो तेरा। मैं अपनी पत्नी से मैंने कहा कि मुझको जाना है हिंदी महोत्सव में और संडे का दिन है, आप जो भी आप चाह रही हैं वो मुझे बताइए, मैं सुबह में कर लूंगा लेकिन शाम में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप हिंदी महोत्सव में जा रहे हैं, हमने कहा हाँ जा रहे हैं। तो कहा कि दूर दूर से आपका कोई ताल्लुक तो नहीं लगता है, मैंने कहा कि बहुत नजदीक से मेरा ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा कैसे, तो मैंने कहा कि गाना है वो आपने सुना होगा, उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि मैं वो उस महोत्सव में जा सकूं कि नहीं जा सकूं, तो मैं वो गाना आपको सुनाना चाहता हूं। ये सुखदेव जी के माता पिता करते माँ को सुनने के बाद, इस गाने को सुनने के बाद मेरी पत्नी की आंख छलक गई और उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हैं। आप यकीन मानिए कि मैं बहुत भावुक इंसान हूं और जब भी मैं टीवी देखता हूं तो रो पड़ता हूं, अभी भी मेरी आंखें नम हैं। दो यहाँ पे मेरे छोटे भाई हैं पानी और सुधांशु जी, जो कुल्हान विश्वविद्यालय का जीडीपी 10 पर किए हुए हैं। भले हम लोग का जीडीपी जो भी हो लेकिन इनका हाथ है कि कुल्हान विश्वविद्यालय के जीडीपी को आगे किए हुए हैं और उम्मीद है कि इनको सहारा देने के लिए श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वो और आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, भाषा राष्ट्रभाषा, इसकी लड़ाई हम न लड़े, इसको हम आंदोलन के रूप में ले। मैं आपको आह्वान कर रहा हूं इस मंच से, आप अपनी कविता को और कहानी को किताब के रूप में रख कर करके उसको आप धूल में न रखें, बल्कि आप कोशिश करें, आह्वान करें पूरे हिंदुस्तान के पैमाने से, हो सके तो श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन इसका स्टार्ट करें और आप एक आंदोलन कीजिए कि हिंदी जो है वो हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा होगी। क्या आप तैयार हैं? तो आप उस आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए। बहरहाल मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, मुझे भी देर हो रही है, डर लग रहा है कि फिर कुछ पत्नी मुझे कुछ बोले ना, अगर कुछ बोलेंगी तो मैं फिर अपना टेलीफोन जो है वो सुखदेव को दे दूंगा कि भाई बात कर लो मेरी पत्नी से। इसी के साथ आप सबको मेरा आशीर्वाद है
मेरी दुआ है कि आप जहां रहें मुल्क के बारे में, देश के बारे में सोचें। कोई भी देश आगे बढ़ सकता है तो दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य जहां अच्छा होगा वो देश आगे बढ़ेगा। और शिक्षा के इस क्षेत्र में आप जरूर आगे हैं, श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोल्हान यूनिवर्सिटी, अर्का जैन यूनिवर्सिटी काफी कर रहा है, लेकिन हमें कुछ और करना होगा। और आपसे मेरी गुजारिश है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना हो सके हमको करना चाहिए, तभी जाकर के मेरा स्वास्थ्य और मेरे मुल्क का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर एसएस रजी साहब। मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा, मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वृत्त चित्र प्रदर्शन के जितने भी विजेता हैं डॉक्टर साहब अपने हाथों से उन्हें सम्मानित करेंगे। और फेसबुक लाइक्स में द्वितीय स्थान पर एक और हमारे साथी हैं जो सम्मिलित रूप से दूसरे स्थान के हकदार हैं, जो 564 लाइक्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। फेसबुक लाइक्स आप हैं जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज से रक्षा वैष्णव वाष्णीय जी, रक्षा वाष्णीय, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत रक्षा जी का, जिन्होंने दूसरा स्थान सम्मिलित रूप से पाया है फेसबुक लाइक्स में 564 पसंद के साथ। साथ ही वृत्तचित्र प्रदर्शन, इस वृत्तचित्र प्रदर्शन में जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है आप हैं रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गीतिलता, सचिन कैवर्त, राहुल दास, सूरज कुमार। वृत्तचित्र प्रदर्शन में जिन्हें तीसरा स्थान मिला है आप हैं रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गीतिलता से। वृत्तचित्र प्रदर्शन की पुरस्कार अदायगी के बाद हम चैंपियंस ऑफ चैंपियन के खिताब की तरफ जाएंगे, मगर उससे पहले एक आश्चर्यजनक तोहफा हम सभी हिंदी प्रेमियों के लिए हम इस मंच पर लेकर आएंगे, तो बने रहें इस मंच के साथ। वृत्तचित्र प्रदर्शन में अपनी शानदार प्रदर्शनी के साथ दूसरे स्थान पर है स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन सालबनी, अजीत मुर्मू, रामानंद यादव, संजय महतो मंच पर पधारेंगे। वृत्तचित्र प्रदर्शन स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन सालबनी दूसरा स्थान वृत्तचित्र प्रदर्शन में। महाविद्यालय के प्रतिनिधि भी ये सम्मान ले सकते हैं, आपसे आग्रह है आप यथाशीघ्र मंच पर पधारें। वृत्तचित्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान पर है जिनकी बनाई वृत्तचित्र का हमने अवलोकन भी किया आप हैं श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन पम्मी दंडावत, प्रकाश कुमार महतो, अर्पिता पॉल। मंच पर पधारेंगे वृत्तचित्र प्रदर्शन के लिए जिन्हें प्रथम स्थान प्रदान किया गया, अपनी शानदार सृजनशीलता से जिन्होंने इस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चैंपियंस ऑफ चैंपियन के हकदार आप में से ही कोई एक महाविद्यालय होने जा रहा है, तो उसका आप करेंगे इंतजार, क्योंकि उससे पहले एक आश्चर्यजनक तोहफा हम सभी हिंदी प्रेमियों के लिए प्रदान करेंगे इस मंच से। और ये इसका साउंड
ये मंच उनके स्वागत के लिए हम तैयार कर रहे हैं। थोड़ा गेन कम करना, गेन। जिनकी उपस्थिति आज हमारे बीच है, जो हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपने जीवन के 7 दशक हिंदी की सेवा में बिता दी, और आज एक साहित्यकार, एक फिल्मी समीक्षक और आलोचक, कई पुस्तकें जिन्होंने हिंदी की सेवा में लिखी, और जिनका पावन मुबारक जन्म दिवस भी आज हम इस मंच से मनाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर सी भास्कर राव जी का। पहला था गुड़िया मोटर रेल, तो पहला का फिर की लट्टू, कोई चाबी का टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। सर खुदम पर यहाँ हमारे बीच जो विद्वत जन हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस महाविद्यालय का जो शिक्षक वृंद है, उसकी सक्रियता और समर्पण के लिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। और यहाँ जितने भी महाविद्यालयों के छात्र उपस्थित हैं, उनको मैं स्नेहाशीष देता हूँ। मेरा मानना यह है कि यह केवल हिंदी का उत्सव और हिंदी का महोत्सव ही नहीं है, बल्कि यह हिंदी की पूजा है, यह हिंदी की भक्ति है, यह हिंदी के प्रति अपनी आध्यात्मिक भावना को व्यक्त करने का एक अवसर है। और सच कहूँ तो यह हिंदी का एक यज्ञ है। डॉक्टर रजी अभी कह रहे थे कि यह हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि अभी तक हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, और उसके लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है, जो अगर श्रीनाथ कॉलेज से आरंभ होता है तो उसको सचमुच श्री गणेश कहा जा सकता है। और मेरे ख्याल से उस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, उस आंदोलन का यह 4th वर्ष है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हिंदी महोत्सव का आयोजन होना और हिंदी को केंद्र में रखकर इतने सारे कार्यक्रमों का आयोजन करना, इतने महाविद्यालयों को आमंत्रित करना और उन्हें पुरस्कृत करना, प्रोत्साहित करना, हिंदी के साथ प्रत्यक्ष रूप से उनको जोड़ना, यह किसी आंदोलन से कम नहीं है। यह आंदोलन शुरू हो चुका है, और क्रमशः यह आंदोलन जितना विस्तार पाता जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मित्र डॉक्टर रजी ने जो सपना देखा है, उस सपने को साकार करने का श्री गणेश इस महाविद्यालय से हो चुका है,
और वो सपना जरूर एक दिन पूरा होगा, उसको पूरा होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज इस हिंदी महोत्सव में मेरा 79वां जन्मदिवस मनाया गया। आज 78 वर्ष मैंने पूरे किए, आज से 79 वर्ष का आरंभ हो रहा है और वो आरंभ इतनी भव्यता के साथ होगा, इतने समारोह पूर्वक होगा, इतने उत्साहवर्धक ढंग से होगा और मेरे जीवन के लिए एक यादगार के रूप में होगा, इसकी कल्पना आज जब सुबह मैं उठा तब भी मैंने नहीं की थी। लेकिन यह श्रीनाथ कॉलेज का मेरे प्रति प्रेम है, मेरे प्रति आदर का भाव है, उनकी आत्मीयता है कि उन्होंने अपने बीच एक बुजुर्ग साहित्यकार को इस तरह से सम्मानित किया है कि इसके सामने बड़े से बड़े पुरस्कार और बड़े से बड़े सम्मान भी छोटे पड़ जाते हैं। मेरा जन्मदिन जिस रूप में आज मनाया गया उसके लिए मैं कॉलेज के प्रति, उसके प्रबंधन के प्रति, उपस्थित विद्वानों के प्रति, यहाँ के शिक्षकों के प्रति, यहाँ के छात्रों के प्रति अपना नतमस्तक आपके सामने करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीष और असीमित शुभकामनाएं कि यह जो यात्रा आरंभ हुई है वह यात्रा अहर्निश चलती रहे, विकास के पथ पर निरंतर निखरती रहे और हिंदी का द्वीप इसी तरह प्रज्वलित होते होते एक दिन हिंदी का ये मशाल बन जाए जो पूरे देश को मार्ग प्रशस्त करे। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद, धन्यवाद सर। अभी एक सम्मान देने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एक जन जो पिछले 3 दिनों से डटे हुए हैं, सुबह से शाम तक सारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, अगर उनको हृदय से धन्यवाद ना करें तो हमको लगता है कि हम लोग एक बड़ा सा जुर्म कर लेंगे। तो मैं मंच पे कौशिक जी को कहूँगा कि सर आप सामने आएं और हमारे बीच 3 दिन के कार्यक्रम का उद्घोषक रहे श्री उदय चंद्र वंशी जी के लिए तालियां और उनके सम्मान के लिए सर काइंडली आप आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जो ये सम्मान दिया है उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मान उनको भी देना चाहूंगा जो चैंपियंस ऑफ चैंपियन के हकदार हैं, मगर उसकी घोषणा से पहले विभिन्न महाविद्यालयों का जो ये 3 दिवसीय समागम था, महोत्सव था, व्यक्तिगत रूप से हर एक महाविद्यालय को प्रतिभागी के तौर पर सम्मान सर्टिफिकेट जो पत्र दिया जा रहा है, अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया आप उसे ग्रहण करें और या फिर हम आपके महाविद्यालय तक इसे पहुँचाएंगे। अर्का जैन विश्वविद्यालय गम्हरिया, मैं चाहूँगा कि ये जी पटेल बीएड कॉलेज खूंटी, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन दुगनी, जेकेबी बीए कॉलेज सालवनी, जमशेदपुर वेमेंस कॉलेज बिस्टपुर,
आप कार्यालय से बाद में भी इसे ग्रहण कर सकते हैं, मगर ये हमारी एक कोशिश है आप सबों को ये बताने की कि कितने विश्वविद्यालयों ने शिरकत किया था इस प्रतियोगिता में। आप मंच के बाईं तरफ से आप अपने भागीदारी सर्टिफिकेट्स को लेते जाएंगे। बहरागोड़ा कॉलेज बहरागोड़ा, मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक्रधरपुर, BDSL महिला कॉलेज घाटशिला, उदय मेमोरियल BEd कॉलेज रांची, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान चकुलिया, करीम सिटी कॉलेज मास्कॉम सांची, रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गीतिलता, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन BEd जमशेदपुर, महिला कॉलेज चाईबासा, नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय पोखारी जमशेदपुर, KMPM वोकेशनल कॉलेज बिस्टपुर, लॉयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन टेलको, GBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन कदमा, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन सालबनी, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज BEd जमशेदपुर, करीम सिटी कॉलेज मानगो और श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन आदित्यपुर। आप सभी प्रतिभागी महाविद्यालयों से निवेदन कि आप अपने सर्टिफिकेट्स को मंच के बाईं ओर से ग्रहण करें। और इसके बाद अब वक्त है चैंपियंस ऑफ चैंपियन के खिताब की घोषणा की। आदरणीय मित्रों, मेहनत आपकी होती है, हौसला हमारा होता है, जुनून आपका होता है, जज्बा हमारा होता है, कोशिश आपकी होती है, विश्वास हमारा होता है और उम्दा प्रदर्शन आपका होता है, तो मुकम्मल साथ हमारा होता है और इसके बाद ही यहां से जन्म लेता है कोई चैंपियन ऑफ चैंपियन। उस खिताब को देने के लिए पूरे मंच को मैं आमंत्रित करूंगा, मगर उससे पहले इस मंच से श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आप सभी महाविद्यालयों से भाग लेने वाले प्रतिभागी, प्राचार्य, प्रतिनिधि, प्रशासन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी हमारे सहायक हैं, इस 3 दिवसीय चौथे हिंदी महोत्सव को सफल बनाने में आपका जो श्रेय रहा है, जो भागीदारी रही है, उसे धन्यवाद अर्पित करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री गुरुदेव महतो जी से कि वो आए और मन से धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद चंद्रवंशी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन में, सफल संचालन में मैं विशेष रूप से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस धन्यवाद ज्ञापन के समय में मुख्य रूप से हमारे बीच में आए हुए हैं आदरणीय सर श्री SS रजे जी, कुलपति आरका जैन यूनिवर्सिटी हमारे कोलार यूनिवर्सिटी से, आदरणीय सर डॉक्टर PK पांडी जी एग्जाम कंट्रोलर कोलार यूनिवर्सिटी चाईबासा विश्वविद्यालय से ही आए हुए हैं हमारे वीर पदाधिकारी आदरणीय श्री सुधांशु कुमार जी, रवि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आए हुए निदेशक आदरणीय श्री जावेद अख्तर जी और हमारे परम आदरणीय हमारे गुरुजन श्री सी भास्कर राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत हमारे कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे मौके पर आपका यहाँ आगमन हुआ और हमें इतना हिम्मत साहस इस कार्यक्रम को करने के लिए आपका जो सहयोग रहा मिलता रहा। इस बीच में हमारे साथ में है हमारे आदरणीय श्री PK प्रणाली जी, पूर्व विभागाध्यक्ष कॉपरेटिव कॉलेज। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे मौके पर उन्होंने अपना समय दिया और साथ में इस महाविद्यालय में आए हुए विभिन्न कॉलेजों के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने हमारे विद्यालय के जो हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल किया और विभिन्न कॉलेज से आए हुए जो छात्र छात्राएं हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एक सचिव की तरह से इस कॉलेज का। मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको कि इतना मेहनत की वजह से आज ये कार्यक्रम सफल आयोजन हुआ है। ऐसा ही उपेक्षित हम लोग आगे के लिए भी करेंगे कि इस तरह का सहयोग आप लोग आगे भी हम हमें मिलता रहे।
हमारे कॉलेज का भी कुछ योगदान रहा है। साथ ही साथ इस भाषा के ऊपर में कुछ करने का जो मौका हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इस कॉलेज के लिए, इस कॉलेज में जो कुछ भी तीन दिन में हुआ है, जो जो भी कार्यक्रम हुआ है, जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरुदेव महतो जी, मैं पूरे मन से ये आग्रह करूंगा कि चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब देने के लिए आप आगे आए। सम्मिलित रूप से मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथि, विभिन्न प्रतियोगिताओं में जिस महाविद्यालय ने क्रमशः प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान ग्रहण किया है, उस पर आधारित अंकों की तालिका में कुल 540 अंकों के साथ चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जाता है श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन को। सबको पता है कुल 8 प्रतियोगिताओं में इस महाविद्यालय ने प्रथम स्थान ग्रहण किया, 2 प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान और 2 प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान। इस तरह से अंकों के आधार पर कुल 540 अंक इन्होंने सम्मिलित रूप से ग्रहण किया इस 3 दिवसीय सम्मेलन में, और हकदार हुए चैंपियंस ऑफ चैंपियन के। शुभ रात्रि।